हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसक्यूएल के कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक ये स्ट्रक्चर दे रखा है, देख दैट इज एक टेबल का स्ट्रक्चर दे रखा है। और हमारे हमें क्या करना है, ये टेबल एक बनानी है जिसका नाम क्या होगा, डॉक्टर होगा। किस जो हमारे पास फील्ड्स हैं वो ये दे रखे हैं और डेटा टाइप ये दे रखा है। तो हमें क्या करना होगा, तो मैं अपने डेटा बेस के अंदर चले जाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, दैट इज यूजफुल फॉर। यहाँ मैं आपको टेबल्स दिखा देता हूँ। तो अभी तक मेरे पास डॉक्टर नाम की कोई भी टेबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक टेबल क्रिएट करता हूँ। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मेरा क्या होगा, डॉक्टर होगा। अब उसके अंदर कौन से फील्ड्स होंगे, पहला जो फील्ड होगा वो क्या होगा, दैट इज डॉक्टर आईडी। तो मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट डॉक्टर अंडरस्कोर आईडी। इसका जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, वेयर केयर होगा। और उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, दैट इज 10। तो मैं क्या लिखूंगा, वेयर केयर, और इसकी लेंथ यहाँ पर दे दूंगा, दैट इज 10। देन मेरा नेक्स्ट फील्ड क्या है, दैट इज डिपार्टमेंट। और इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज वेयर केयर, डेटा टाइप है इसका, और इसकी लेंथ कितनी है, 20 है। नेक्स्ट मेरा फील्ड कौन सा, एक्सपीरियंस कॉमा, और इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज 2। नेक्स्ट मेरा फील्ड है वेन्यू, और इसका डेटा टाइप क्या है, वेयर केयर है, और इसकी लेंथ कितनी है, 20 है। जो मैंने ब्रैकेट ये स्टार्ट करा था, इसको यहाँ पर अगेन क्लोज कर देता हूँ, सेमी कोलन लगाता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये टेबल क्रिएट हो जाएगी। चेक कर लेते हैं हमारी टेबल क्रिएट हो गई। तो हमारी टेबल डॉक्टर के नाम से क्रिएट हो गई। अब हमें क्या करना है, टू हमारे पास बी जो पॉइंट है वो क्या, टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, उसके अंदर हमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है जिसकी वैल्यूज क्या होंगी, स्किन जो होगी वो किसके अंदर जाएगी, स्किन अंडर स्कोर 108 जो जाएगा वो डॉक्टर आईडी के अंदर जाएगा, स्किन जो जाएगा वो डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा, 16 जो होगा वो एक्सपीरियंस के अंदर जाएगा, और नोएडा जो होगा वो वेन्यू के अंदर जाएगा। तो हमें इंसर्ट करने के लिए कमांड क्या होती है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, हमारी टेबल का नाम क्या है, दैट इज डॉक्टर, हमारी वैल्यूज, देन ब्रैकेट, सबसे पहले हमारे पास क्या है, दैट इज स्किन आईडी, वो स्किन अंडरस्कोर 108, दैट इज डॉक्टर आईडी, देन कॉमा, हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट स्किन। आप जो भी वेयर केयर या दैट मीन्स टैक्स दोगे वो किसके अंदर दोगे, सिंगल कोट के अंदर इंक्लोज करोगे, और जो आप न्यूमेरिक वैल्यू दोगे वो विदाउट सिंगल कोट दोगे। तो मैंने क्या दे दिया, एक्सपीरियंस 16 हो गया। अब मुझे क्या देना, वेन्यू, वेन्यू क्या है, दैट इज नोएडा। मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, सेमी कोलन लगाऊंगा, एंटर करूँगा, दैट मीन्स अब ये रो इंसर्ट हो गई। चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर, ये रो मेरी इंसर्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है, टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ दोज डॉक्टर हुज एक्सपीरियंस इज मोर देन 15। तो हमें एक वेयर कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो हमारी कमांड ये रहेगी, फिर क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर वेयर, हमारे क्या होना चाहिए था, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन 15 होना चाहिए था। तो आप क्या लिखोगे, एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 15। तो क्या एक्सपीरियंस की स्पेलिंग गलत है, ओहो हमने फील्ड में गलत ले रखी है, पी आर आई एन सी, एंटर करते तो हमारे पास वो डॉक्टर डिस्प्ले हो जाएगा जिसका एक्सपीरियंस क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या करना है, टू मॉडिफाई द एक्सपीरियंस ऑफ अ डॉक्टर टू 22, दैट मीन्स उसका एक्सपीरियंस क्या करना है, डॉक्टर का 22 कर देना है, जहाँ पर डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए था, स्किन होना चाहिए था। तो हम क्या लिखेंगे, अपडेट, जब भी आपको कोई रिकॉर्ड चेंज करना होता है तो आप कमांड कौन सी यूज करते हो, अपडेट, कौन सी टेबल, देन टेबल का नाम, देन सेट फील्ड का नाम, हमें कौन सी फील्ड के अंदर चेंज करना है, दैट इज एक्सपीरियंस के अंदर, सेट एक्सपीरियंस इक्वल्स टू 22, कहाँ पर किसका करना है, जहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो क्या होना चाहिए था, नहीं जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट क्या है, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू स्कैन इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर स्कैन, जो जो स्किन का डॉक्टर था उसकी क्या हो जाएगी, एक्सपीरियंस जो होगा जो 16 था वो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। एंटर करते हैं, सेलेक्ट करके चेक कर लेते हैं,
क्या हो गया, दैट इज 22 हो गया। नेक्स्ट क्वेरी देख लेते हैं इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक क्या करना था, दैट इज कॉलम ऐड करना था, जिसका कॉलम का नाम क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ, और उसका डेटा टाइप क्या होगा, डेट होगा। तो आप क्या करोगे, मैं इसको पढ़ ले लेता हूँ। दैट इज अब आपको कौन सी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, अभी तक जो आप यूज़ कर रहे थे कौन सी थी, DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आप सेलेक्ट कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, दैट मीन्स आप टेबल के अंदर डेटा पे ऑपरेशन कर रहे थे। अब आपको क्या करना है, क्या टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है। मैं आपको टेबल का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, टेबल के स्ट्रक्चर पर चेंज करना है। जब भी आप टेबल के स्ट्रक्चर पर कमांड यूज़ कर रहे होगे, दैट मीन्स चेंज कर रहे होगे या बना रहे होगे, तो आप कौन सी कमांड यूज़ करते हो, दैट इज DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो अब हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, ऑल्टर का कमांड आपकी कौन सी है, दैट इज DDL, ऑल्टर टेबल। कौन सी टेबल आपको ऑल्टर करना है, डॉक्टर। आपको क्या करना है, ऐड करना है, कॉलम को ऐड करना है। कौन सा कॉलम ऐड करना है, दैट इज उसका नाम क्या होना चाहिए था, डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर बर्थ, और इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए था, दैट इज डेट होना चाहिए था। सेमी कोलन लगाता हूँ, एंटर करता हूँ, दैट मीन्स रिकॉर्ड चेंज हो गया होगा। स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। अब हमारे पास क्या हो गया, दैट मीन्स एक कॉलम और ऐड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमें क्या करना है, एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है जो कि हमें ये दे रखा है। इस टेबल का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो क्या करेंगे, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, देन आपका क्या होगा, फील्ड का नाम होगा। तो हमारी फील्ड क्या है, PID, और इसका डेटा टाइप क्या है, कैर है, और इसकी लेंथ 4 है, देन कॉमा, देन आपका नेक्स्ट फील्ड कौन सा, पी नेम, इसका डेटा टाइप कौन सा है, वेयर कैर है, और इसका जो लेंथ है वो कितनी है, दैट इज 20 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन है, इसका डेटा टाइप क्या है, वेयर कैर है, और इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज 40 है। नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज प्राइस है, और इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, डेसिमल है। डेसिमल जो डेटा टाइप होता है वो किस लिए होता है, आप दैट मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करा सकते हो जिसके साथ प्रिसिशंस हो, दैट मीन्स अगर आप 0.0 4.0 ऐड कराना चाहते हो तो वो भी ऐड करा सकते हो। एंटर करते तो हमारी एक टेबल ये क्रिएट हो गई होगी जिसका नाम क्या होगा, प्रोडक्ट्स। डिस्क्राइब करके देख रहे थे, डिस्क्राइब प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट्स लिख दिया। तो हमारी एक टेबल बन गई जो जिसके अंदर ये फील्ड्स है और उसका डेटा टाइप ये दे रखा है आपको। नेक्स्ट एग्जांपल यूज करके देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कि हमें एक टेबल बनानी है जिसका नाम क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, और उसके अंदर जो फील्ड्स है वो ये है, और उसका डेटा टाइप हमें खुद चूज करना पड़ेगा। क्योंकि डेटा टाइप हमें इसलिए चूज काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वो चीज़ दे रखी है, दैट मीन्स उसके अंदर डेटा दे रखा है। अब हमें पता है कि इसके डेटा टाइप जो होगा वो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले ही एक टेबल बनी हुई प्रोडक्ट, तो हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप टेबल प्रोडक्ट, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया। चेक करा देता हूँ आपको कि अब प्रोडक्ट टेबल हमने हटा दिया है। तो टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, इसके अंदर जो फील्ड होगा पहला वो क्या होगा, प्रोडक्ट नंबर होगा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नंबर दे देते हैं क्योंकि स्पेस देना फील्ड के अंदर अच्छा नहीं है। तो इसका डेटा टाइप होगा वो क्या होना चाहिए, चेक कर लेते हैं, डेटा के थ्रू, दैट इज कैर होना चाहिए, और इसका जो लेंथ है वो कितनी है, दैट इज 3 है, देन कॉमा, दूसरा हमारा फील्ड कौन सा, पी नेम, दैट इज प्रोडक्ट का नाम, इसका डेटा टाइप देख लेते हैं क्या होना चाहिए था, दैट इज वेयर कैर होना चाहिए था, इसका हम कितना दे देते हैं, दैट इज 20 दे देते हैं साइज, देन हम अगेन हमारा दूसरा तीसरा जो फील्ड है वो क्या है, दैट इज प्राइस, इसके अंदर जो वैल्यू गई आपकी वो क्या गई है, न्यूमेरिक गई है, तो इसको हम क्या दे देते हैं, इंट दे देते हैं, और इसकी लेंथ कितनी कर देते हैं, दैट इज 4 कर देते हैं, दैट मीन्स 4 डिजिट तक ले ले, या फिर हम 5 कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं। देन हम दूसरा हमारा क्या है, क्वांटिटी, और इस स्पेलिंग गलत हो रही है, और इसके इसकी जो फील्ड है उसके अंदर जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, दैट इज इंटीजर, और इसको भी हम 4 कर देते हैं। अब हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो गई, डिस्क्राइब करके दिखा देता हूँ आपको, डिस्क्राइब
प्रोडक्ट नाम की टेबल क्रिएट हो गई जिसके अंदर ये डेटा टाइप है। अब मुझे करना क्या है, इसके अंदर ये वैल्यूज इंसर्ट करा लेते हैं। ये जो वैल्यूज दे रखे हैं इसको इंसर्ट करा लेते हैं। हमारी पहली वैल्यू क्या है, दैट इज P001 मॉनिटर। तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम हमारा क्या है, दैट इज प्रोडक्ट वैल्यूज। देन हमारी वैल्यूज कौन सी है, दैट इज पहली वैल्यू क्या है, P01 सिंगल कोट क्लोज क्योंकि ये करेक्टर में कॉमा। इसके अंदर जो दूसरी वैल्यू क्या है, दैट इज मॉनिटर। देन हमारी थर्ड वैल्यू क्या है इसके अंदर, क्लियर नहीं हो रहा, देख लेते हैं, दैट इज 6587। तो हमारी तीसरी वैल्यू है दैट इज 6587 और चौथी वैल्यू हमारी क्या है, दैट इज 5। हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, सेमी कोलन लगा के एंटर करते हैं। एक रो हमारी क्रिएट हो गई, अब हम दूसरी रो क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा दूसरी वैल्यू क्या है, वे P02 दैट इज कीबोर्ड हमारे। ये वैल्यू क्या है, दैट इज 112 1234 और ये वैल्यू क्या है, दैट इज 20। एंटर करते हैं, जीरो भी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट रो क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारी क्या है, थ्री है, ये क्या होएगा, दैट इज माउस। ये हमारा क्या होगा, दैट इज 678 और ये हमारा क्या है, दैट इज 34। एंटर करते हैं, ये रो क्रिएट हो गई। लास्ट रो क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज P04। ये हमारा क्या है, दैट इज USB। ये हमारा क्या है वैल्यू, दैट इज 387 और ये हमारी क्या है, दैट इज 67। एंटर करते हैं, हमारी रो क्रिएट हो गई। स्टार्ट आपको डिस्प्ले करा देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। तो हमारी जो टेबल थी क्रिएट हो गई। अब हमारी टेबल तो क्रिएट हो गई, अब हमें ये क्वेरी रिजॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हमारी क्वेरी क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, वो तो हमने कर ली, दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स करा तो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए। नेक्स्ट हमारी क्या है, राइट अ क्वेरी टू एड अ न्यू रिकॉर्ड न्यू रो विद द फॉलोइंग डिटेल्स, दैट मीन्स हमें एक रो और इंसर्ट करनी है जो इसके अंदर ये डिटेल होगी। तो हम क्या कर लेते हैं, दैट अगेन इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज। हमारी वैल्यूज क्या है, दैट इज सिंगल कोट के अंदर POS। देन हमारा क्या है दूसरा, P05 है, P05 सिंगल कोट क्लोज कॉमा एंटीवायरस सिंगल क्लोज कोट क्लोज कॉमा 3455 कॉमा 5 ब्रैकेट क्लोज सेमी कोलन। तो हमारी ये रो इंसर्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच प्रोडक्ट, द अमाउंट मस्ट बी कैलकुलेटेड एज पर प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो प्राइस और क्वांटिटी का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए और यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। चलिए करते हैं सेलेक्ट। तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नंबर, फील्ड्स के नाम लिखना पड़ेंगे, कॉमा दैट्स पी नेम कॉमा। नेक्स्ट हमारा फील्ड क्या है, प्राइस। नेक्स्ट हमारा फील्ड क्या है, क्वांटिटी। देन हमें क्या करना था, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके प्रिंट करना था, कॉमा प्राइस मल्टीप्लाई बाय दैट इज क्वांटिटी। अब इस जब ये प्रिंट हो रहा होगा, चलिए मैं दिखा देता हूँ, फ्रॉम प्रोडक्ट, जब ये प्रिंट हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी आ रहा है। मैं चाह रहा था टोटल प्राइस लिखा हुआ आ जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एस लिखेंगे और इन्वर्टेड के अंदर टोटल प्राइस लिख देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हेडिंग होगी, जो लेबल होगा, वो चेंज हो जाएगा डिस्प्ले के लिए। तो क्या आ रहा है, टोटल प्राइस आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट दोज हूज प्राइस इज लेस देन 1000, दैट मीन्स जो वो मुझे प्रोडक्ट दिखाना है जिनकी प्राइस क्या है, लेस देन 1000 है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट है, एक तो हमारा USB और एक माउस है। तो कंडीशन क्या होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, आपके टेबल का नाम क्या है,
प्रोडक्ट वेयर प्राइस लेस देन 1000, सेमी कोलन एंटर। तो अब वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जिनका प्राइस क्या था, लेस देन था 1000 से। उम्मीद करता हूँ आपको एसक्यूएल की क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेरीज का रिप्लाई करने की और आपके डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक यू।